नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इसमें एग्जाम में पूछे हुए 100 क्वेश्चंस एक ही साथ आपको कवर करा रहा हूं। जीके करंट अफेयर्स, साइंस के, एनटीपीसी और रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सकता है कल आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाए, क्योंकि शिफ्ट के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, RISAT रिसेट 2B R1 उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से सहायता से लॉन्च किया गया? तो रिसेट 2B R1 उपग्रह को PSLV C-48 लॉन्च व्हीकल की सहायता से लॉन्च किया गया। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019-20 रोजगार हासिल करने की क्षमता में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। द्रज पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो द्रज पुल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। केंद्र सरकार ने किस एयरपोर्ट में पार्किंग के लिए फास्टैग को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है? तो हैदराबाद में पायलट बेसिस पर फास्टैग को लॉन्च किया है। 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वसीम जाफर बने हैं। इंद्र अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में हो रहा है? तो भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास होता है। नानावती मेहता आयोग किस राज्य की सरकार से संबंधित है? तो गुजरात राज्य सरकार से संबंधित है। बार कोड के आविष्कार जॉर्ज लॉरेक का हाल ही में निधन हुआ, वे किस देश से थे? तो बार कोड के आविष्कारक जॉर्ज लॉरेर जो है अमेरिका से संबंधित थे। गुलू मीरचंदानी ने हाल ही में CEAMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है, वे किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो वे MIRC माइक्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ओनिडा कंपनी के संस्थापक हैं। छठवीं इंडियन ओशंस डायलॉग तथा दिल्ली डायलॉग्स 11th का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ। ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस संगठन के द्वारा ढाका में किया जा रहा है? तो IOM के द्वारा ढाका में किया जा रहा है। भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना की कहाँ पर की जाएगी? तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में बनाया जाएगा। 2019 शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज किसने जीता? तो 2019 का शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जो है टोनी जोसेफ ने जीता। स्थानीय आस्था दिवस भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्थानीय आस्था दिवस भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 10वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो 30 नवंबर को मनाया गया। अंगदान के मामले में किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो तमिलनाडु राज्य को अंगदान के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का कार्यभार किसने संभाला है? तो सोमा राय वर्मन ने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का कार्यभार संभाला है। औद्योगिक विकास के लिए किस राज्य ने कैबिनेट से लैंड बैंक शुरू करने का निर्णय लिया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने लैंड बैंक शुरू करने का निर्णय लिया है। पुरुष वर्ग में 2019 फीफा बैलन डी ऑर पुरस्कार किसने जीता? तो लियोनेल मेसी ने पुरुष वर्ग में फीफा का बैलन डी ऑर पुरस्कार जीता। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वोन डर लेन किस देश से हैं? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वोन डर लेन जो है जर्मनी से हैं। 2019 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस यूरोपीय शहर में किया गया? तो लंदन में किया गया। स्विट्जरलैंड में किस प्रथम जीवित व्यक्ति के सम्मान में सिक्के जारी किए गए? तो रॉजर फेडरर के सम्मान में स्विट्जरलैंड में सिक्के जारी किए गए। हाल ही में बॉब बिलिस का निधन हुआ, वे किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे? तो बॉब बिलिस इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो उमरोई मेघालय में भारत के और चीन के बीच में ये हैंड इन अभ्यास का आयोजन हुआ था, ये पहले की बात है, ठीक है। सीवरेज सेक्टर में भारत के प्रथम HAM प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो सीवरेज सेक्टर में भारत के प्रथम HAM प्रोजेक्ट का उद्घाटन हरिद्वार में हुआ। चौथे इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2019 का आयोजन किस IIT द्वारा किया गया? तो चौथे इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2019 का आयोजन IIT कानपुर के द्वारा किया गया। भारत में प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य में जारी किए गए? तो भारत में प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो है हरियाणा में जारी किए गए। भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन किस रेलवे स्टेशन को प्रमाणित किया गया है? तो मुंबई सेंट्रल टर्मिनल को भारत का पहला ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है। किस क्रिकेट टीम ने 2019 MCCCMJ स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? तो न्यूजीलैंड ने अवार्ड जीता है। विश्व मृदा दिवस 2019 की थीम क्या है? तो स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर विश्व मृदा दिवस 2019 की थीम है। हाल ही में अरब दीन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ये? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ये। किस राज्य सरकार ने एंटी डिप्रेशन स्क्वाड लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने एंटी डिप्रेशन स्क्वाड लॉन्च किया है। 2019 हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट की थीम क्या है? तो कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो 2019 हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भवानी मुखर्जी का निधन हुआ, किस खेल के पूर्व मुख्य कोच थे? तो टेबल टेनिस के पूर्व मुख्य कोच थे भवानी जी। 2020 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का क्या स्थान था? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का 5वां स्थान था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो के विजय कुमार को वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। भारत का प्लॉगिंग एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो रिपुनमन बेवली को भारत का प्लॉगिंग एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है, तो देवास में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हो रहा है। 2019 नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली शशिनी पूवी किस राज्य से हैं, तो कर्नाटक राज्य से हैं। जोजी विनी टूंजी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 बनी, वे किस देश से हैं, दक्षिण अफ्रीका से हैं। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मारिन किस देश से हैं, फिनलैंड से हैं। बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसने जीता है, तो मुस्ताफिर रहमान मानिक ने जीता है। ERMS की राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है, तो भोपाल में किया जा रहा है। ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो कोपेनहेग डेनमार्क में ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्यालय है। हाल ही में राज्यसभा के किस जनजातीय भाषा को पहली बार उपयोग किया गया, तो राज्यसभा में संथाली भाषा को पहली बार उपयोग किया गया। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता, तो नेपाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। आर प्रज्ञानंद ने किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आर प्रज्ञानंद शतरंज के साथ जुड़े हुए हैं। 42वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड किसे दिया गया, तो शाहीन मिस्त्री को यह अवार्ड मिला। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2019 की थीम क्या है, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट होना अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी 2019 की थीम है। किस बॉलीवुड अभिनेता को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो सुनील शेट्टी को नियुक्त किया गया है। मानव अधिकार आयोग 2019 की थीम क्या है, तो यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट, मानव अधिकार दिवस 2019 की थीम है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण के अपराधों को शीघ्र निपटने के लिए किस राज्य ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है, तो उत्तर प्रदेश ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना करने का निर्णय लिया है। हाल ही में नरेश मित्रा का निधन हुआ, किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम यायावर साहित्य उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो जम्मू में किया जा रहा है। गंगाधर नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को सम्मानित किया गया। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया, तो रूस को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया। भारत और किस देश के बीच में तटीय शिपिंग समझौते के तहत मोंगला और चित्तोग्राम को पोर्ट ऑफ कॉल घोषित किया गया है, तो बांग्लादेश में है ये। डचीफेट 3 उपग्रह किस देश से संबंधित है, तो इसराइल से संबंधित है। किस भारतीय तीरंदाज ने 21वीं एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं के व्यक्तिगत रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता है, तो दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। 2023 के फुटबॉल हॉकी में विश्व पुरुष हॉकी विश्व कप में किस शहर में आयोजन होगा, तो भुवनेश्वर भारत में आयोजन होगा। हाल ही में ब्रैड गॉबराइट का निधन हुआ, किस देश से थे, अमेरिका से संबंधित थे। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में वैश्विक जलवायु तथा पर्यावरण आपातकाल घोषित किया, तो यूरोपीय संघ ने वैश्विक जलवायु और पर्यावरण आपातकाल घोषित किया। किस राज्य ने तमिलनाडु के सूक्ष्म कंपोस्टिंग केंद्र के मॉडल का अनुकरण करने का निर्णय लिया है, तो उड़ीसा राज्य ने तमिलनाडु के सूक्ष्म कंपोस्टिंग केंद्र के मॉडल का अनुकरण करने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर आउटडोर जिम की स्थापना करने की निर्णय लिया है, तो हिमाचल प्रदेश ने जिम स्थापित करने का निर्णय लिया है। किस IIT ने गांधीपीडिया का निर्माण करने का निर्णय लिया है, तो IIT खड़गपुर ने गांधीपीडिया का निर्माण करने का निर्णय लिया है। वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 12वां स्थान मिला है। केंद्र सरकार कुल शेखर पित्तनम के निकट रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करने की योजना बना रही है, ये किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ मिलकर नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल ऑफ वीमन एंटरप्रेन्योर का आयोजन करने के निर्णय लिया है, तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ में मिलकर ये फेस्टिवल ऑफ वीमन एंटरप्रेन्योर्स का आयोजन करने का निर्णय लिया है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जननायक जनता पार्टी को किस राज्य का राज्य दल का दर्जा दिया गया है, तो हरियाणा राज्य के राज्य दल का दर्जा दिया गया है। यासुहिरो नाकासो ने हाल ही में निधन हुआ, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अंगद वीर सिंह बाजवा किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो अंगद वीर सिंह बाजवा शूटिंग से जुड़े हुए हैं। थिएटर कलाकार परमानंद साहू का हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य से थे, तो उड़ीसा राज्य से थे। सबसे तेज 7000 रन टेस्ट में बनाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है, तो स्टीव स्मिथ ने बनाया है। द लेजेसी ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मलसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोना सूरी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सिस्तुरा सिंकाई किस प्रकार की जनजाति का वैज्ञानिक नाम है, तो यह मछली की वैज्ञानिक नाम है। अक्कितम को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, वे किस भाषा से जुड़े हुए हैं, तो मलयालम भाषा से जुड़े हुए हैं। भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। CRL के लिए सूक्ष्म वित्त पैनल के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, तो HR खान नियुक्त हुए हैं।
लोकपाल के लोगों को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो प्रशांत मित्रा के द्वारा, लोकपाल के लोगों को, मिश्रा के द्वारा लोकपाल के लोगों को डिजाइन किया गया। सार्क देशों के लिए 2019-22 के लिए किस भारतीय संगठन ने करेंसी स्वैप पर फ्रेमवर्क को संशोधित किया है? तो RBI के द्वारा करेंसी स्वैप पर फ्रेमवर्क को संशोधित किया गया है। कॉटोसेट 3 उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल की सहायता से लॉन्च किया गया? तो PSLV-47 के द्वारा कॉटोसेट 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। 47वें ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। राष्ट्रीय खेल संहिता की ड्राफ्ट समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? तो मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ। हेमंत करकरे ए डॉक्टर्स मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जूही करकरे हैं। किस भारतीय चैनल ने 2019 IPL इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म जीता है? तो NDTV ने जीता है। हाल ही में क्लाइव जेम्स का निधन हुआ, किस देश के लेखक और प्रसारक थे? तो अमेरिका से संबंधित थे। 10वें CMS वातावरण एनवायरमेंट में और एंड वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल की थीम क्या थी? तो 10वें CMS वातावरण एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग हिमालयाज थीम थी। 10 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2019 अभ्यास का आयोजन किस शहर में हुआ? तो पुणे में हुआ। हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भारत है। G20 अध्यक्षता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश कौन बना? सऊदी अरब। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? स्पेन में। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आदर्श MN सिनीमोल ने। ICC Under-19 विश्व कप 2020 में भारत का नेतृत्व तो किसके द्वारा किया गया? तो प्रियम गर्ग के द्वारा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। शमीम खान किस खेल से जुड़े हुए हैं? गोल्फ से। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वतंत्र निदेशक डाटा बैंक लॉन्च किया है? तो स्वतंत्र निदेशक डाटा बैंक केंद्रीय कॉरपोरेट मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भास्कर मेनन का हाल ही में चेन्नई में निधन हुआ, किस समाचार एजेंसी के संपादक थे? तो PTI के ये पत्रकार थे। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन स्पीड में। वीडियो मैंने इसलिए पढ़ा कि कम समय में आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।